अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको वेलकम करते हैं अपने न्यू व्लॉग में। मेरा नाम है गुलाम अकबर। हम वहाँ पे लुंडी सैदान कुछ देर के लिए ठहरे थे, बाइक अपने कज़न के बाइक की आयल चेंज करवाने के बाद फिर से आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े हैं। ये हम कोई सुलेमान के दामन में पहुँच चुके हैं और आगे हम जा रहे हैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ। इंशाल्लाह वहाँ पे उन्हें ईद मिलते हैं। ईद मिलने के बाद वहाँ पे सिद जी का भी प्लान है, इंशाल्लाह सिद जी भी खाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे उसके बनने का तरीका सब चीज़। अभी आप सफ़र इंजॉय करें इंशाल्लाह। Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io Music licensing reimagined. ये हैं वो छोटे छोटे रास्ते बल खाते हुए जा रहे हैं हमारे मंजिल मकसूद की तरफ। इर्द गिर्द पहाड़ी सिलसिले हैं सारे और बस छोटे छोटे से रास्ते हैं। वहाँ से हमारे रिश्तेदार बलोचों ने पत्थर हटाए हुए हैं जहाँ से बाइक्स, ऊंट और भी इस तरह के गधे और जानवर इन्हीं रास्तों से गुजर के जाते हैं। हमारा तो कभी कभार चक्कर लगता है पर इनका तो रूटीन का आना जाना है। इन्हीं रास्तों पे बहुत सी नदियाँ भी बहती हैं। बारिश के मौसमों में इन नदियों में तुगयानी की तरह पानी बहुत तेज़ी से बहता है। और अब हम बिल्कुल पहाड़ के अंदर एंटर होने वाले हैं जहाँ पे कुछ रेत भी मौजूद है जो के पानी ने पहाड़ों से निकाल के नीचे लाया हुआ होता है। काफ़ी सफ़र करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफली पहुँच चुके हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ। वहाँ बैठ के हम अपने बलोची रिवायात के मुताबिक एक दूसरे का हाल हवाल देना भी होता है, पूछना भी होता है। वही हाल हवाल हो रहा है अभी। यही हाल हवाल हमारे पूछने के बाद फौरन ही चाय सर्व कर दी गई। हमने चाय पी। चाय पीने के बाद हमारे लिए सिज्जी का भी अहतमाम किया गया सिज्जी के साथ ही। और वहाँ पे उनके माल मवेशियों के बाल वगैरह भी काटने का अहतमाम था क्योंकि ये लोग जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो ये अपने भेड़ों के जो है ना बाल उनको उतरा लेते हैं। तो इलाके के तमाम जो होते हैं माल वाले चरवाहा उन सबको बुला के जो है ना अपने भेड़ों की बाल की उतरवाई करवाते हैं। तो फिर उन्हें भी बुलाया हुआ था उन्होंने। जैसे ही इन माल मवेशियों के बाल उठवाने का सिस्टम कंप्लीट हुआ साथ ही उन्होंने एक बकरे को
ज़िबा कर दिया सिदी के लिए। बकरे को ज़िबा किया सिदी के लिए, फिर जिसके चारों पाँव को सिदी के लिए बनाया जा रहा है, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं जिसे यहाँ पे तो हम वहाँ पहाड़ में लोहे की सीखें तो नहीं होती, तो फिर ग्रीन लकड़ी से उन टांगों को, उन पाँव को उनमें सुराख करके लगा दिया जाता है, फिर उन्हीं को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। ज़मीन में गाड़ने के बाद साइडों पे हल्की सी आग जलाई जाती है। Artlist.io Music licensing reimagined. नेक्स्ट सफर आप हजरत शहर बनाती अंसारी की तरफ ले जाएंगे। आखिर में आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ